सूरह बकरा की जो सबसे लंबी आयत है, सबसे लंबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ए ईमान वालो जब आपस का लेन देन हो ना, चंदा तो उससे ऊपर की चीज है, वक्फ का माल, मस्जिद का माल, ये तो बहुत ऊपर की चीज है, जब आपस में अपनी जात के लिए भी लेन देन करो तो उसको लिखो ताकि बदगुमानी का मौका ना रहे, भूल जाता है इंसान, और लिखना ही काफी नहीं, उस पर गवाह भी बनाओ। सबसे लंबी आयत कुरान की वो है जो माली मामलात में आपको एक्यूरेसी का और माली मामलात को क्लियर करने का हुक्म दे रही है। बुखारी मुस्लिम की सही हदीस, नबी ने फरमाया किसी का कोई माली लेन देन हो उस पर लाजिम है कि 3 दिन से पहले लिख ले उसको, मर गया तो क्या पता चलेगा ये पैसे किसके पास थे। उलमा कहते हैं ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रोटोकॉल दे दिया, आपको एक सहूलत दे दी कि 3 दिन तक मोहलत दे दी, कि बाज दफा इंसान इतनी इमरजेंसी में होता है लिख नहीं पाता, वरना उसूली तौर पर तो 1 मिनट की भी मोहलत नहीं होनी चाहिए, 3 दिन का पता थोड़ी है कि आप कब मर जाओ, फिर भी 3 दिन की मोहलत दे दी कि भाई कम से कम 3 दिन है आपके।